नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ वंदा शर्मा। कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्रालय ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को 10वीं बार बढ़ाया है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की अंतिम तारीख 30 जून है। यदि कोई व्यक्ति नया पैन कार्ड लेना चाहता है तो उसके पास भी आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यही नहीं, ITR भरते समय भी आधार कार्ड का होना बेहद जरूरी है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो 30 जून से पहले जरूर करवा लें। आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नंबर को ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए आसानी से 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर से लिंक कराया जा सकता है। इसके अलावा SMS के जरिए भी पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक कराया जा सकता है। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मेट में मैसेज लिखकर 567678 या 561611 नंबर पर SMS करना होगा। इसके अलावा जो लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए ऑनलाइन तरीके से सहज नहीं है, वो लोग ऑफलाइन भी करा सकते हैं। इसके लिए NSDL और UTITSL के पैन सर्विस सेंटर पर संपर्क करना होगा। केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है तो उसके पैन कार्ड को आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि फिर उस पैन कार्ड से ITR फाइल करने, बैंक अकाउंट खोलने और पेमेंट करने जैसे काम नहीं हो पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय हुए पैन कार्ड का उपयोग करता है तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।